नमस्कार साथियों, ग्रामीण भारत टीवी में आपका स्वागत है। और आज ये खास इंटरव्यू इस नाव में, तालाब के बीचों बीच बिल्कुल हम लोग हैं और नाव मेरे साथ चला रहे हैं मध्य प्रदेश के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर वीके बाथम सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रामीण भारत में। दरअसल बाथम सर आज हमारे साथ इसलिए हैं कि बाथम सर ने एक मिशन अपने हाथों में लिया है और ख़ासतौर पर ये मिशन जो है वो उन लोगों के लिए है जो तालाब, नदी और इसके आसपास बसे हुए हैं, जिनका जीवन जो है, यापन जो है वो नदी, तालाब और इसके ऊपर ही निर्भर करता है। सर क्या है मिशन और किस तरीके से आपकी ये सोच हुई कि इस मिशन में आप आगे बढ़ें? मैं सेवानिवृत्ति के बाद में समाज के लोगों के बीच में गया। समाज के लोगों ने मुझे बोला कि अब आपको क्या करना है। जब मैं इस ज़मीन पर पैदा हुआ था, ये जल से लगी हुई है, छोटे तालाब से लगी हुई है भोईपुरे में, तब से मैं देख रहा हूँ कि जल के आसपास हमारा समाज रहता आया है। हमारा समाज से आशय है जो मछुआरा समाज है, जिसमें कई जातियाँ उपजातियाँ आती हैं कि ये कहार, केवट, मल्ला, भोई, मल, हाँ ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। कहीं इनको माझी के नाम से भी जाना जाता है। मैं जब पहली नौकरी मैंने प्रारंभ की थी खरगोन जिले से, तो कसरावद गया। कसरावद में नर्मदा घाट के पास में मैंने एक केवट समाज के लड़के को देखा और उसकी झुग्गी थी। मैंने ऐसी कई झुग्गियाँ देखी जो हर बार नर्मदा मैया के बाढ़ से आते हैं और वो तबाह हो जाती हैं और वो फिर वो अपना घरौंदा बनाता रहने के लिए, और इस तरह वो जल भूमि, जल के किनारे की भूमि को कभी नहीं छोड़ता। वो उसको अपनी माता पिता, अपनी जननी, अपना सब कुछ वो मानता है। आज समस्या ये आ गई है, मैंने देखा कि वो जलभूमि के समीप वो रहता आया, तो धीरे धीरे सरकार की नीतियों के कारण, कुछ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के कारण उनको अपने अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है, क्योंकि जल के समीप की भूमि होने के कारण कभी उनको उसका अधिकार नहीं मिला। आज हम जिस जगह रहते हैं वहाँ पर या तो हमारा पट्टा होता है या हमारी रजिस्ट्री होती है, एक नामांतरण हो जाता है हमारे नाम, लेकिन जल समीप, जल स्रोत के समीप जितनी भूमि है, जितनी नदियाँ हैं उनके किनारे, समुद्र के किनारे, जो सदियों से हमारा समाज रहता आया है, और उस पर उनको रहने का हक भी नहीं है। जब बाढ़ आती है तो उनके पुनर्वास के लिए उनको इसलिए सहायता नहीं मिलती कि तुम यहाँ के निवासी नहीं हो, यहाँ के रहते नहीं हो, तुम्हारे पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है। जब बांध बनते हैं तो उनको उखाड़ के फेंक दिया जाता है और उनको कोई भी मुआवजा नहीं मिलता, ये बोलकर कि तुम्हारा कोई हक नहीं है। जब मैंने देखा 2005-06 में सदियों से आदिवासियों को जो जंगल में रहते आए हैं उनको भूमि, वन भूमि पर अधिकार मिला। जब आदिवासियों को वन भूमि पर रहने का अधिकार मिल सकता है तो जल स्रोतों के समीप रहने वाले जल वंशियों को भी जल भूमि का अधिकार मिलना चाहिए। ये धारणा, ये भावना के साथ में मैंने समाज के लोगों से बात की, अर्थशास्त्रियों से बात की, समाजसेवियों से बात की, कुछ पत्रकारों से बात की, राजनीतिक लोगों से बात की, तो उन्होंने बोला वास्तव में एक अपने समाज के लिए एक नई चेतना के साथ में, नए विचार के साथ में आ रहा हो, जो उनको सदियों से हक उनका छिनता आया है वो अभी तक लुटते आए हैं। यदि आपने इसके माध्यम से, जल अधिकार भूमि मिशन के माध्यम से उनको ये अधिकार दिला दिया, तो आपकी आने वाली पीढ़ियाँ कम से कम परेशान तो नहीं होंगी और उनका एक आइडेंटिफिकेशन, जिसको बोलना चाहिए, एक उस भूमि से उनके जुड़ाव का एक प्रमाण पत्र उनको मिल जाएगा कि हाँ भाई ये है। अब लोग ये कहते हैं कि जल भूमि का अधिकार यदि मिल गया तो जल प्रदूषित होगा, ये सोचना गलत है, क्योंकि सदियों से जल की देखभाल करना, जल को संरक्षित करना हमारा ही समाज करता आया है। आपने देखा होगा, धर्मशास्त्र को पढ़ लो आप, रामायण पढ़ो, तो केवट ने राम जी को पार लगाया, भवसागर पार लग गए राम जी, लेकिन केवट वही के वही लंगोट लगाए बैठा हुआ है। और हमारे चित्रकार लोगों ने उस जो केवट राज था उसको भी एक दास्ता का प्रतीक बनाते हुए उसके पैर धुलाने का ही अक्सर फोटो दिखाते हैं। इससे मेरे को
लगता है कि हम इस दास्ता से कब छूटेंगे, क्योंकि ये एक सोची समझी राजनीति थी, सोची समझी षड्यंत्र। दूसरा, आप महाभारत देखो, महाभारत में भी आप ये पाओगे कि जो सत्यवती थी, निषाद कन्या थी, उसके बाद में एकलव, एकलव को शिक्षा से वंचित रखने के लिए, उसको अपनी हुनर से वंचित रखने के लिए जो कृत किया गया था, वो सबकी जानकारी में, वो मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन वो जो ज़रूर है मैं ये बताना चाहूँगा, एक हक जिसको बोलते हैं अंगूठा, इस अंगूठे से ही आपके दस्तावेज पे हस्ताक्षर होते हैं, इस अंगूठे से ही प्रमाणीकरण होता है, इस अंगूठे के माध्यम से ही आप अपनी आजीविका चलाते हो, इस अंगूठे के माध्यम से ही आप शिक्षा ग्रहण करते हो, वही अंगूठा यदि आपको काट लिया गया तो आप शिक्षा से वंचित हो जाओगे, राजनीतिक अधिकारों से वंचित हो जाओगे, अपनी आजीविका से वंचित हो जाओगे। उस चीज़ को देखते हुए मैं संघर्ष के लिए आगे। सर, प्रशासनिक बड़ा लंबा अनुभव रहा है आपको, क्या लगता है किस तरीके से शुरुआत करना चाहिए अब प्रशासनिक स्तर पर इस चीज़ के बदलाव के लिए? पहले तो जन चेतना इसमें जागृत होना चाहिए, क्योंकि अपने अधिकारों के प्रति यदि कोई नागरिक सचेत नहीं है, जागरूक नहीं है, तो वो सोता हुआ प्राणी के अलावा कुछ नहीं है। तो पहले मैं मेरे समाज में जागृति पैदा कर रहा हूँ कि आपको ये अधिकार क्यों चाहिए, क्योंकि हमारा समाज एक दूसरी मझधार में बह गया है। जो कहीं पे बोला जाता कि तुम आदिवासी हो, कहीं पे बोला जाता नहीं तुम एससी के हो, और कहीं पे बोला जाता तुम आदिवासी भी नहीं हो, तुम एससी के नहीं हो, कहीं पे बोला जाता आप सामान्य को, तो आखिर हैं क्या? संवैधानिक जो व्यवस्था आई उसमें हम एक घन चक्कर में फंस गए। वो घन चक्कर से निकलने के लिए सबसे पहले मैं अपने समाज में ये भावना पैदा करना चाहता हूँ कि आपका मूल अधिकार यदि आपको मिल गया, आपकी पहचान जिससे मिल जाएगी, तो अधिकार तो अपने आप मिलेंगे ही। इसके बाद में मेरा दूसरा रहेगा कि अब आता है बुद्धिजीवी वर्ग। उस बुद्धिजीवी वर्ग के सामने धर्मशास्त्रियों के जो हमारे प्रमाण हैं उनको लेकर हम जाएंगे, क्योंकि हर कानून में लिखा रहता है, लैंड रेवेन्यू कोड कितने भी पढ़ लो आप, भूमि से संबंधित, कि जिस ज़मीन पर आप रहते आ रहे हो परंपरागत आपको हक है, तो वहाँ पर आपको उसका पट्टा मिलना चाहिए। तो पट्टा मिलता भी है उनको, आवासीय पट्टा मिलता है, रहने के लिए पट्टा मिलता है, खेती करते आ रहे हैं उनको पट्टा मिल गया, लेकिन जल के समीप हम लोग रहते आ रहे हैं हमको पट्टा भी नहीं। पट्टे की व्यवस्था का यदि हम देखें तो अंग्रेज लोग जब आए तब जाके दस्तावेजीकरण हुआ। अब अंग्रेज लोग हमारे को बहुत ज़्यादा शत्रुता की भाव से देखते थे, क्यों? कि हम लोगों ने सबसे पहले उनसे टक्कर ली। यदि आप इतिहास उठाओ, क्योंकि इतिहास का लिखने वाले कुछ और थे जिन्होंने हमारे इतिहास को लिखा, मंगल पांडे को यदि कारतूस में चर्बी होती है तो वो शिक्षा भी, वो जानकारी भी हमारी व्यक्ति ने दी थी। गंगा में अंग्रेजों को सबसे पहले यदि ढोया था तो हमारे समाज के लोगों ने ढोवा के क्रांति का भूगोल बजाया था। तिलक मांझी हों, बिरसा मुंडा हों, ये सब हम एक दूसरे से जुड़े हुए लोग। सर, बात की जाए, आप जमीन की बात कर रहे हैं, लेकिन खास तौर पर जो जल पर आश्रित लोग हैं, जो जिनका व्यवसाय जल से, ठेका प्रथा ने कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा नुकसान, उनकी रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हुई। आपने बहुत सही बोला, बहुत सही। आज क्या है कि सरकार की नीतियों में ठेकेदारी प्रथा आ गई है। ठेकेदारी प्रथा जिन चीज़ों में सरकार लेके आई है, वहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी कि एक उद्यमिता, इंटरप्रेन्योरशिप समाप्त हो गई है। कोई भी समाज देख लो, जो आज पिछड़ा वर्ग है, वो पिछड़े वर्ग में सरकार की नीतियों के कारण से एक इंटरप्रेन्योरशिप जो है, उद्यमिता जो है, एक उद्यमिता के कौशलता की जो भावना थी वो ख़त्म हो गई। आज क्या हो गया है कि जो स्किल वाला व्यक्ति है, जो कला कौशल जानता है, जो जानता है, वो आज एक मजदूर बन के रह गया है। हमारे समाज में देख लीजिए, तालाबों के ठेके होने लगे, दूसरे समाज के लोग ले जाते हैं। उन समाज के विषय में मैं नहीं बोलूँगा, ऐसे ऐसे लोग ले जाते हैं, हैं जिनका कोई पुश्ते नहीं, धंधे इससे नहीं है, लेकिन पैसा कमाना है उनको, और हमारे लोगों को मजदूर बना के रख दिया, चाहे वो खरबूज तरबूज की खेती का हो, सिंघाड़े की खेती का हो, मछली मारने का हो, नाव चलाने का हो। और जहाँ तक रेत उत्खनन का जो है, जहाँ बरसों से हम लोग खेती करते आ रहे हैं, जिस नदी की ज़मीन पर हैं, वहाँ पर रेत की खदानें दे दी जाती हैं ठेके पर, और हमारे लोगों को मजदूर बना के रख दिया जाता है, और हमारे बच्चों का शोषण होता है।
बात करें डेवलपमेंट की, बात करें विकास की, बात करें तो ये देखा गया कि जब भी किसी नदी पर डैम बनाने की बात आती है तो सबसे ज़्यादा जो मार झेलते हैं वो आप ही के लोग झेलते हैं। उनके पुनर्स्थापन को लेकर भी, अगर पुनर्वास को लेकर भी बात करें तो मध्य प्रदेश में इतना अच्छा काम नहीं हुआ है। गाय बगाए आंदोलन जरूर हुए हैं लेकिन उनके रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो वो भी अभी 100% नहीं रहा। मैंने देखा है अभी तक जो भी आज़ादी के बाद में जो भी हमारे समाज को लेके या बांध निर्माण को लेके जो आंदोलन हुए हैं वो गैर मछुआरा लोगों के हाथ में रहा है। गैर मछुआरा जब तक हम खुद उसका नेतृत्व नहीं करेंगे तो हम अपनी भावना को नहीं प्रकट कर सकते। आज हम कैसे प्रभावित होते हैं, आज ये इतने सारे बच्चे घूम रहे हैं बेरोजगार, क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि उनका अधिकार छीन लिया, उनके अपने आर्थिक जो संसाधन थे रोजगार के वो छीन लिए आपने। आज जो नीति बनती है तो ये देखा जाता है अच्छा लैंड होल्डिंग किसकी है, जमींदार कौन है, किसका मकान बना है, वो पट्टा देख के उसको ही मुआवजा मिलता और फिर उसी को नौकरी मिलती या उसी को दूसरी चीज़ मिलती है। तो जो हमारा समाज है जिसके पास में ये दस्तावेज नहीं है इसलिए बेचारा वो हाथ पैर धरे बैठा रहता है, आवेदन पे आवेदन देता रहता है, कोर्ट में केस जाता है, तारीख पे तारीख बढ़ती जाती है, तारीख पे तारीख बढ़ती जाती है, निर्णय नहीं होता। क्यों? कि ना पैरवी करने वाला हमारा समाज का कोई है, ना नेतृत्व करने वाला था। इसलिए मैं नेतृत्व करने के लिए आया हूँ। सर बात की जाए कि ज़मीन जिसकी है उसको मालिकाना हक नहीं मिल रहा है, कोर्ट के चक्कर वो लगा रहा है, रास्ता कैसे निकलेगा, किस तरीके से इनको अधिकार मिल पाएगा, कोई ऐसा रास्ता? क्योंकि न्यायालय की शरण में जाएंगे तो तय बात है कि समय बहुत लंबा खींचेगा, लेकिन जल्दी में और इनको अधिकार मिले, इनकी रोजी रोटी पे जो संकट आया वो दूर हो पाए, तो एक कोई शॉर्टकट रास्ता जो आपने सोच रखा? शॉर्टकट रास्ता सिर्फ ये है कि आजकल जो भी नियम कानून कायदे बनते हैं वो जनप्रतिनिधियों की सभा जो रहती है जिसको हम विधानसभा बोलते हैं और लोकसभा बोलते हैं, उनके माध्यम से जब कोई नियम अधिनियम बन जाते हैं तो फिर उसके क्रियान्वयन करने के लिए अधिकारियों को कोई मकसद नहीं करना पड़ती। फिर न्यायालय भी जो है उस अधिनियम नियम की परिधि में आकर निर्णय देता। अभी तो न्यायालय के पास में भी वो चीज़ नहीं है ना कि क्यों इनको अधिकार दें। ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से आपकी संस्था जो मिशन है वो काम कर रहा है सर? ग्राउंड लेवल पर जहाँ पर नदी नाले हैं, जहाँ प्राकृतिक जल संसाधन स्रोत हैं वहाँ पर ही हमारा मिशन वर्क करेगा। यहाँ पर सीधा व्यक्ति हमारा उठता है, तालाब में घुसता है, रात को जाता है मछली मारने के लिए, नाव चलाने के लिए, जो सीधा जुड़ा हुआ है उसको हम पहले जोड़ रहे हैं। कैसे जोड़ रहे हैं, क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं? एक तो जनजागरण करने के बाद में अपने आप सदस्यता अभियान, अभी मेरे यात्रा की तो कलकत्ता गया, वहाँ के लोग हमारे साथ जुड़ गए। जब मैं नर्मदा परिक्रमा के जो मुख्य केंद्र रहे हैं, हरदा है, होशंगाबाद है, आपके जबलपुर है, डिंडोरी है, अनूपपुर है, इधर बड़वा है, सनावत है, महेश्वर है, बड़वानी है, उधर नीमच चले जाओ, नीमच में रामपुरा है, जी हर जगह वहाँ जा रहे हैं। जब ये बात रख रहे हैं तो एकदम सहमत हो रहे हैं लोग। आप देखिए हमारे समाज के लोग जब बाढ़ आती है तो बाढ़ में सबसे पहले लोगों को बचाने का काम करते हैं जान जोखिम में डाल के, लेकिन राहत लेने में, इनाम लेने में वर्दीधारी बाहर खड़े हुए रहते हैं, वो अपना नाम लिखा देते हैं, हम तो जल में गोता लगा रहे हैं, हमारा चेहरा कोई नहीं देख रहा, हम बचा रहे हैं लोगों को लेकिन नाम वहाँ हमारा नहीं आता तो पुरस्कार से भी हम वंचित हो जाते। आपको मालूम होगा 71-72 में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी होशंगाबाद में, नर्मदा में, एक सावित्री नाम की एक महिला ने कितने लोगों की जान बचाई थी। ऐसे कई उदाहरण हैं। आज यदि मछुआरों की आप बात करो, समुद्र तट के पास में आंध्र प्रदेश के पास में एक टापू है, वहाँ पे 46 परिवार मछुआरों के रहते हैं समुद्र में, हजारों तूफान अभी तक झेल चुके हैं लेकिन मछुआरे परिवार भींगे भी सीमित हैं। क्यों? क्योंकि वो जल से प्यार करते हैं, जल से जुड़े हुए हैं। और बाकी मानव सभ्यता ये बोलती है यदि ये टापू है यहाँ के मछुआरे जिंदा हैं तो हम भी जीवित रहेंगे, हम भी नहीं मरेंगे। एक उसको देख के उनको जान आती है, एक सोच आती है। कहीं ना कहीं एजुकेशन भी इस पर बहुत बड़ा असर डाल रही है। मैंने आपको बता दिया ना, जब अंगूठा कट गया, शिक्षा से हमको वंचित कर दिया गया, आर्थिक साधनों से वंचित कर दिया गया, हम रोजी रोटी में सुबह से उठ के लग जाते हैं,
तो शिक्षा के प्रति, हाँ आज जो क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रामीण अंचलों में, नदी किनारे में, वहाँ पर सरकार की योजना तक नहीं पहुँचती है। मैं कमिश्नर होशंगाबाद था, हरदा कलेक्टर था, वहाँ मैंने जाके देखा, तो मैंने वहाँ पर जाके कैंप लगाए, तब लोगों को पता लगा सरकारी कुछ योजनाएं भी हैं जो कि उनको आर्थिक सामाजिक रूप से देंगे। नदी किनारे स्कूल नहीं बनते, ये बोल करके बाढ़ में भेजाएगा। अब बाढ़ में स्कूल भेजाएगा, वहाँ पर हमारे समाज के 500,000 लोग रह रहे हैं, तो वहाँ के बच्चे तो नहीं पढ़ पाएंगे ना, उनकी आर्थिक क्षमता नहीं है कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर लाके पढ़ें, इसलिए शिक्षा से वंचित रहें। लेकिन धीरे धीरे जो शहरी क्षेत्र में हमारे समाज के लोग आ रहे हैं, शिक्षित हुए हैं, इसलिए डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, हम जैसे अधिकारी भी बने। ग्राउंड लेवल पर किस तरीके के प्रश्न अब आपके सामने आ रहे हैं, किस तरह जब आप लोगों से मिलते हैं, खासतौर पर नदी तालाब के पास रहने वाले लोगों से, तब उन लोगों के किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं? तो एक आशा की किरण दिख गई है और अब वो ये सोचने लगे हैं कि प्रश्न करने की जगह कि अब भाई साहब समाधान लेके आए कि अब कुछ ना कुछ हमारा हल होगा। क्योंकि आप देखिए, अभी जरा सी चीज़ होती है कि बड़ा ठेकेदार हजारों लाखों क्यूफिक रेत उत्खनन कर रहा है, उसके डंपर चल रहे हैं, लेकिन वहीं पर रेत नाव में भरने वाला, डोंगे में भरने वाला कोई हमारा भाई रहता तो उसको तहसीलदार और माइनिंग अफसर उसके केस बनाते हैं, बड़े लोगों केस नहीं बनाते। तो उन लोगों को एक ये लगा है कि हाँ, हमारी पैरवी करने वाला अब कोई शख्स आ गया, मतलब अब नैया को पार लगाने वाला कोई आ गया। हाँ, नैया को पार लगाने वाला अब आधुनिक पढ़ा लिखा केवट आ गया। सोच क्या है, मतलब अब रिटायर हो चुके हैं आप, एक प्रशासनिक सेवा से अब आप मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अब एक समाज के लिए काम कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया मेरी सोच ये है कि मेरे को मेरे समाज के लोगों को जल भूमि का मूल अधिकार उनको दिलवाना है। तो अब आगे का जीवन पूरा इसी में बीत, पूरा इसी में समर्पित रहेगा। लंबी लड़ाई लड़ना है। मैं क्यों बोलूँ लंबी लड़ाई, शॉर्टकट लड़ाई है, जल्दी इसको हल होगा, लोगों के दिमाग में ये बात आ जाएगी और सब बोलेंगे हाँ सही बोल रहे हैं। आगे क्या कदम हो सकते हैं आपके इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि तय बात है कि आपको शासन के सामने भी अपनी बात देखिए, हम तो लोगों को भी जोड़ना, हम गांधी जी से जुड़े हुए हैं, गांधीवादी विचारधारा का पालन करते हैं, अहिंसा के मार्ग पर चलकर हमारी लड़ाई को हम लड़ेंगे। किसी तरह का हम बड़ा आंदोलन बड़ा इस तरह का नहीं करेंगे, पत्राचार के माध्यम से अपनी बात को कानून तक पहुंचाने के माध्यम से, लोकसभा विधानसभा में चुने गए हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे वोट के माध्यम से चुने जाते हैं कई विधायक, हाँ लेकिन जब विधायक चुन जाते हैं तो हमारी बात नहीं करते। अभी चुनावों में मैंने देखा, जितने उपचुनाव हुए, मूल चुनाव विधानसभा के तो उसमें लोकसभा चुनाव, तो जब मैं गया तो मेरा कहना था कि इस समाज को भी आप अपना वोट बैंक समझें, वहाँ तक पहुँचें। तो लोगों को ये बताया रखा गया है कि सिर्फ यदि वोटर कोई है और समाज का अधिकार किसी के पास में है तो 5-6 समाज के नाम आते हैं, चाहे ब्राह्मण हों, चाहे क्षत्रिय हों, चाहे बनिया हों, चाहे पिछड़े वर्ग में 2-3 आ जाते हैं, यादव आरक्षित में जाटा हो गए, हाँ आदिवासी में गोड़ हो गए, मतलब ये ही 5-6 है जो उंगलियों पे गिने हुए हैं। इसी को सर्वे में तवज्जो दी जाती है, सर्वे में भी इनकी संख्या आती है, ये छोटे छोटे समाज हैं, बिखरे हुए जिनको बोला जाता है, उनकी गणना ही नहीं होती, फिर वोट लेने के लिए वहाँ जाते हैं, वोट के बाद भूल जाते हैं। तो उन लोगों को हमको चेताना है, यदि आप अब नहीं जागे और अब हमारे साथ खड़े नहीं हुए, हमारे अधिकार नहीं दिलवाए, तो हम फिर आपको अगला जनप्रतिनिधि चुनने नहीं दें। बहुत बड़ा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो नर्मदा भी है यहाँ पर, कई नदियाँ हैं यहाँ पर। आपको लगता है कि समय कम है और काम ज़्यादा है? हाँ, ये तो यदि मैं मेरी उम्र को देखूँ तो समय कम है और काम ज़्यादा है, लेकिन ये मेरा मिशन उसी तरह का है जिस तरह भागीरथी मिशन था। भागीरथी प्रयास से जब गंगा इस धरा पर आई और वो आ सकती थी, तो मेरे मिशन में भी मेरे आने वाले जो अनुयायी हैं, मेरे समाज के लोग हैं, वो इस मिशन को लेकर आगे बढ़ेंगे और उनको सफलता मिलेगी। क्या कहना चाहेंगे लोगों से? मैं लोगों से ये विनती करूंगा कि ये जो मिशन है सिर्फ सदियों से जल स्रोतों के समीप रहते आ रहे हैं,
लोगों के घरों में पानी पिलाते आ रहे हैं, लोगों की डोलियां उठाते आ रहे हैं, लोगों को नदियों के पार लगाते आ रहे हैं, उस समाज को अभी तक अधिकारों से वंचित रखा है, जिसका अंगूठा काट लिया गया था, वो अभी इन सब चीज़ों से हक से वंचित रहा है, तो उसके हक के लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आप हमारा साथ दीजिए, हम कोई दूसरी तरह के भेदभाव, जातिगत भेदभाव नहीं रखते हैं, हम किसी तरह का धर्म का भेदभाव नहीं रखते हैं, हम किसी भाषा का भेदभाव नहीं रखते हैं, हम ऊंच नीच की भाव नहीं रखते हैं, हम जल जैसे बिल्कुल स्वच्छ हैं, निर्मल हैं, निर्मल हैं, मतलब हर रंग में रंग जाते हैं। मतलब आपकी लड़ाई उन हर लोगों के लिए है जो नदी तालाब के आसपास रहते हैं, जिनका जीवन यापन नदी तालाब की वजह से। सही कहा। तो सर आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो मिशन है, वाकई में ये मिशन बहुत बड़ा है और ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें आज ज़रूरत है पानी के अलावा आप जैसे लोगों की, जो उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाए और उनके जीवन के जो कठिनाइयाँ हैं उनको सरल करें। आपने हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये वो सुना और हमारी बात जनता तक पहुँचाएंगे, खास देश के लोगों को, राज्य के लोगों तक पहुँचाएंगे। जय मैं कामना के साथ में आपको धन्यवाद करता हूँ, आपकी दीर्घायु की कामना करता हूँ। पानी की स्वच्छता और निर्मलता का जैसा ये मिशन है, और सबसे बड़ी बात ये है कि इस मिशन की खासियत ये है कि ये उन लोगों के लिए है जो वाकई में आज अपने जीवन को जीने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हैं, जिसके ऊपर वो आश्रित थे, वो भी ठेका पद्धति में अब जा चुका है। नदी तालाब की जो मछलियाँ हैं वो अब ठेकेदारों के गिरफ्त में आ चुकी है, ऐसे में वो अपना जीवन कैसे जिए, और जिस जमीन पर वो रह रहे हैं उस पर भी गाये बगाए कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अब उनको हटाया जा रहा है। तो ये मिशन वाकई में अपने आप में एक बहुत प्रमुख मिशन है, और इस मिशन की सफलता की कामना ग्रामीण भारत भी करता है, और हम चाहेंगे कि ये मिशन जो है वो सफल हो और आपकी जो सोच है उसमें आप आगे बढ़ें, जैसे आप इस नाव को आगे बढ़ा रहे हो, जैसे इस चप्पू को आप लगातार धक्का दे रहे हैं या चला रहे हैं। तो साथियों मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।